तो दरवाजे कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं, ये तो जिसके पास सत्ता होती है और पैसे का बाहुबल होता है, जहां लोकतंत्र समाप्त हो जाता है, सिर्फ राजनीतिक शीर्षता रहती है, वहां इस तरह की बातें नेता करते हैं। वही हल्की बातें भूपेंद्र सिंह जी ने की। जी चलिए, इस बात को समझ लेते हैं। राजेश जौहरी जी, जिस तरीके से नेता बयान दे रहे हैं, देखिए अब चुनाव करीब आ गया है, पिछली बार भी देखा था जितने चुनाव हुए सब बयानों के आसपास हो जाते हैं, समय से मर जाते हैं। अब ऐसे में जो ये बयान दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी और कमलनाथ जी, क्या राजनीति चमकाने के लिए बयान दे रहे हैं या फिर इन बातों में कुछ सच्चाई भी है कि आगे ऐसा हो सकता है, संभावना क्या कहती है? अनन्या जी, देखिए पॉलिटिक्स में बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे दिए जाते हैं जिनका कोई उद्देश्य होता है उसको देने का, और ये जरूरी नहीं है कि वो शत प्रतिशत सच हो, पहली बात तो। जी और अब लेकिन यहाँ थोड़ा सा बस टाइमिंग जो इसकी अमित शाह जी के यहाँ होते हुए ये हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखा भी जा रहा है। आप भी डिबेट कर रहे हैं और अपन सब इस पर विचार कर रहे हैं, जी अदरवाइज इस तरह की बातें तो होती रहती है पॉलिटिक्स में। और एक एक चाइना के बहुत बड़े एक रणनीतिकार हुए, स्ट्रेटेजिस्ट हुए हैं लगभग 3000 साल पहले, उनका नाम है सन ज़ू। तो उन्होंने, उनके दो बातें थी बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो उन्होंने कहा था कभी भी दुश्मन पर हमला नहीं करना चाहिए, दुश्मन के प्लान पे हमला करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था जब अपन कमजोर हो तो ऐसा दिखाओ कि बहुत पावरफुल हो, जब पावरफुल हो तो कमजोर दिखाएं। ये आप इस बात से समझ गई होंगी क्या उद्देश्य हो सकता है। लेकिन हाँ, तीसरी बात ये है कि कांग्रेस जो है, ये सबको मानना पड़ेगा, हमको अमित शर्मा जी मानेंगे, थोड़ा टफ फेज है कांग्रेस का इस समय, 1885 से 137 साल में सबसे टफ फेज जो है अभी पिछले 2-4 सालों का है कांग्रेस का। और ऐसे में जैसे क्या हुआ है कि प्रशांत किशोर की एंट्री हुई और उससे थोड़ा बूस्टर इफेक्ट तो आया है, और लेकिन फिर भी ऐसा एकदम से नहीं लग रहा है कि छोड़ के भागने वाली स्थिति इसलिए दिख रही है, क्योंकि आज क्या है, प्रशांत किशोर जब कल परसों से जो ये घटनाक्रम चला है, तो थोड़ा सा कोई लीडर्स में जो लोकल छोटे लीडर्स हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उनमें तो आत्मविश्वास आया है कि हो सकता है वो जीत जाएं। हालांकि कांग्रेस के सामने आज भी वही चैलेंज है बड़ा कि इस प्रदेश को चलाने वाले 8 बड़े नेता हैं, और 8 बड़े नेताओं का प्रशांत किशोर उन सबको इकट्ठा रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, एक 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 छाते के नीचे रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ये बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी अभी ऐसी स्थिति नहीं है जैसा भूपेंद्र सिंह जी ने कहा है। जी चलिए, चेतन सिंह जी, एक बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि 2018 में जो वोट बैंक झटक गया था भाजपा के हाथों, यानी कि जनजातीय वर्ग की बात भी कर रहे थे, तो अब वो है जो है वो 2023 में साथ में खड़ा नजर आएगा, ये बात भूपेंद्र सिंह ने क्लियर की है। तो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, भाजपा जिस तरह काम कर रही है, क्या लगता है कि 2018 की गलती वापस दोहरा पाएंगे आप या फिर इस बार संभल जाएंगे? मध्य प्रदेश की जनता ने जो गलती की थी 2019 में, मध्य प्रदेश की जनता उसका प्रायश्चित कर चुकी है। आपने लोकसभा में देखा नहीं, बम्पर मतों के साथ लोगों ने इसके तरह सूच के साथ वापस दिया, प्रायश्चित के साथ वापस दिया। और हमारी सेवा में, चाहे पार्टी के रूप में हो चाहे सरकार के रूप में हो, कोई भी हमारी सेवा में कोई इस प्रकार की कमी नहीं है कि जनता ये कहे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी या उसका कार्यकर्ता या उसका कैडर केवल और केवल चुनाव लड़ने आता है, बीच में हमको मझधार में छोड़ करके चला जाता है। हमने देखा है देश के सारा विश्व विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा था, लगातार 2 साल कोरोना के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां लाशें गिनने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब भी अपने अपने चेतन सिंह जी, आपको ऐसा ही लगता है कि जिस तरीके से फोकस आप बनाए हुए हैं बिल्कुल इस वर्ग पे, चाहे वो गौरव दिवस की बात हो जाए, चाहे यहाँ पर बिरसा मुंडा की जयंती की बात हो जाए, चाहे यहाँ पर अभी कल जो वनवास सम्मेलन हुआ उसकी बात हो जाए, तमाम जितने भी आयोजन है यहाँ पर, चाहे नाम बदलना हो, हर जगह जो है आदिवासियों को कुछ ज्यादा ही फोकस में लेके भाजपा चल रही है। तो क्या घबराई हुई है भाजपा यहाँ पर 2018 के बाद से, या फिर यहाँ पर अभी भी जो है इसको भी मैनेज कर रही है, बैलेंस कर रही है कि आगे चल के ये कुछ गलती ना हो जाए यहाँ पे? इस प्रकार से 16 महीने के कार्यकाल की सरकार में कमलनाथ जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो मध्य प्रदेश के आदिवासी बंधुओं को वनांचल से निकाल करके हिंदुत्व से निकालने की जो कोशिश की, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था। और यही कारण है कि उनको अपनी जड़ों से जोड़ करके रखना है, उनको वनों के साथ, उनको अपने वतन के साथ जोड़ करके रखना है, उनकी निष्ठा के साथ रखना है, और हर समाज की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी की कनेक्टिविटी हर समाज के साथ बनी रहे, इस पर हमारा फोकस है। और ये लगातार हमारा प्रयास है कि हर समाज हर वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच रहे,
और हमारा तो पार्टी का दिया हुआ स्लोगन है, नारा है कि सर्वव्यापी सर्वस्वास्थ्य सर्वव्यापी पार्टी, ये हमारा नारा दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कल जो है अमित शाह जी ने कहा है ना बैठक में कि 2018 की गलती वापस दोहराना नहीं है, चुनाव जीत के रहना है यहाँ पर। ये तो हर अगर हमारे परिवार में अगर कोई हमारे बड़े आए हैं, अगर किन्हीं बातों को कोई घटना दुर्घटना है तो निश्चित रूप से उसका उल्लेख तो होगा। माननीय अमित शाह जी ने भी यही कहा है कि देखो भैया हमको अलर्ट रहना है, हमको उस तरह की गलती नहीं होना है। तो उस तरह की गलती बार बार इसलिए याद दिलाई जाती है कि कहीं फिर हमसे कोई चूक नहीं हो जाए। और ये जीवंत संगठन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो ठोकरे लगे उन ठोकरों से अपने वर्तमान को खड़ा करो और भविष्य की योजना बनाओ। तो भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके दिशा निर्देशन में पूरी टीम लगातार काम कर रही है। और जिस प्रकार से बीडी शर्मा जी जब से भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अध्यक्ष का दायित्व संभाला है, आप देखिए युवाओं पर उनका फोकस है, नए नए लोगों पर फोकस है। वे तमाम नए लोग जो भारतीय जनता पार्टी में अभी तक नहीं जुड़े थे उनको भी इस परिवार में जोड़ करके हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और अपनी पार्टी की जो जनाधार है धरती पर उसको लगातार हम संगठन के रूप से अपने परिवार में जोड़ करके विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अमित शर्मा जी, यहाँ पे सोशल मीडिया की बैठक आज हुई, वहां पर भी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। ऐसे में अब देखिए चुनाव करीब आ गए हैं, वही गलतियां वापस होंगी तो कैसे चुनाव में उतरेगी कांग्रेस? यहाँ पर संगठन मजबूत करने की बात यहाँ पर कमलनाथ करते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा मुकाबला जो है संगठन से है, संगठन मजबूत करना है। अब ऐसे में कांग्रेस ही हंगामा करेंगे तो फिर कैसे चुनाव की तैयारी करेगी कांग्रेस यहाँ पर? देखिए अनन्या जी, के कांग्रेस असम के कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इस तरह से जो हंगामा नहीं हुआ है जिस तरीके से शायद इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे और कई सारी व्यवस्थाएं थी और वहां पर कई ऐसे लोग थे जो कोई हंगामे का मकसद नहीं था, वो कोई बाहर के लोग नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के आरटीएल के अध्यक्ष थे और जिनको कमलनाथ जी ने बखूबी समझाया और संबोधित भी किया। मेरा इस मामले में ये कहना है कि ये फिर एक बार राजेश जौहरी जी बैठे हैं, यही पूरी सब सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, जितने नेता हैं और इंक्लूडिंग वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि कांग्रेस टूटी हुई है, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर है, कांग्रेस खत्म है। लेकिन मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता ने सही रास्ता दिखा दिया शिवराज सिंह चौहान को कि आप विपक्ष में बैठिए, आपने जितनी भाषणबाजी और लफाजी की है, जितनी घोषणाएं की हैं, अब आप विपक्ष में बैठने की भूमिका अदा करिए। लेकिन चूंकि घबराहट हो गई शिवराज सिंह चौहान और पूरी सरकार को, तो आज यही लोग कहते थे कि नहीं आएगी। 2018 में परिणाम बदला। देखिए समय किसी का एक सा नहीं होता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने सर्वोच्च नेतृत्व के साथ बैठकर समय समय पर चर्चा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी आपने देखा होगा प्रदेश के बड़े नेताओं ने एक बैठक करी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक हुई, पूर्व विधायकों की बैठक हुई, तमाम रणनीतियां समय के साथ जो परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन परिवर्तन नहीं, इतने सारे अभियान कांग्रेस ने चलाए यहाँ पर, सस्ता अभियान हुआ, महंगाई मुक्त अभियान हुआ, सस्ता अभियान का टारगेट तो पूरा नहीं कर पाई कांग्रेस यहाँ पर। नहीं अनन्या जी, ये शायद आप अपने मन से एक बात आगे बोल रही है कि सदस्यता अभियान अभी हमारा खत्म नहीं हुआ कि टारगेट पूरा नहीं कर पाया, और ना हमने किसी वरिष्ठ नेता ने, ना किसी कार्यकर्ता ने, ना किसी प्रवक्ता ने ये अभी कोई संख्या बल लाके कोई आंकड़ा बताने का प्रयास किसी भी टेलीविजन पर अभी नहीं करा है कि जिस पर हम ये डिबेट करें कि नहीं आपने 10 लाख बताए थे, 1 करोड़ बताए थे, तो अभी तो अचीव आपने करा ही नहीं है। अभी तो ये क्योंकि हम डिजिटल सदस्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी जहां तक मुझे याद है 5 लाख सदस्यों को जोड़ने की बात यहाँ पर स्टार्टिंग में हुई थी, जब टारगेट के बारे में बताया गया था, जब अभियान के बारे में जानकारी दी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अनन्या जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपको कह दूं कि मध्य प्रदेश में हमारे 84,853 सदस्य ऑलरेडी पहले से हैं। हम उन सदस्यों को 5 लाख तो हमारे बहुत छोटा सा आंकड़ा है, हम उन सदस्यों के आंकड़ों को बढ़ाकर और डिजिटल सदस्यता की ओर अपने कार्य कर रहे हैं। चलिए राजेश जौहरी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर कि ये जो बयान हो गए, जो फिलहाल की कंडीशंस हो गई, परिस्थितियां जो बनाई जा रही हैं, चाहे वो चुनाव की तैयारियां हो, जो अभी फिलहाल में जो पर्टिकुलर वोट बैंक है जिसमें फोकस बनाया हुआ है लगातार भाजपा ने, कांग्रेस ने, तो जो वोट बैंक 2018 में भाजपा से छटक गया था, जिसपे कांग्रेस ने एक कह सकते हैं कि अच्छा दबदबा बना लिया था, अब क्या लगता है कि इतने आयोजनों के बाद, इतने सारे यहाँ पर जो फिलहाल में सौगातें दी जा रही हैं इस पर्टिकुलर वर्ग को, इसके बाद क्या कहते हैं 2023 में ये वर्ग कहाँ खड़ा दिखाई देगा?
क्या 2018 की तरह कांग्रेस के साथ ही रहेगा या फिर भाजपा के जितने आयोजन है ये काम करेंगे, ग्राउंड वर्क काम करेगा इनका? देखिए अनन्या जी, एक तो ये जो है पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था, पत्थर मार के टर्बुलेंस तो ले आए, है ना। अब टर्बुलेंस इस पार्टी ने भी बयान दिया, उस पार्टी ने भी बयान दिया, तो हलचल तो शुरू हुई, हलचल होगी, किसके पक्ष में जाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, जहां तक ये ट्राइबल कम्युनिटी यानी आदिवासी समाज का सवाल है, तो भाजपा ने जितने भी कार्यक्रम किए, चाहे भले ही वो स्टेशन का नाम बदला या गौरव दिवस मनाया या टंटिया मामा या जितनी भी चीजें मनाई गई है, बिरसा मुंडा जयंती, ये भले ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है अनन्या जी, आज कम से कम इस बहाने आदिवासियों को सही तरीके से उनका हक तो मिल रहा है, उनका प्रेजेंस, उसको मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनका रोल तो दिख रहा है। कम से कम भले ही ये इन दोनों पार्टियों का उद्देश्य उनके वोट देना होगा, लेकिन पहली बार उन पर सही तरीके से फोकस दिया गया है। नहीं तो आप देखिए, आपको अब से कुछ समय पहले तक अभी भी कभी कभी आप देखेंगे वो छोटा उदयपुर अलीराजपुर के उधर के लोग शास्त्री ब्रिज पे खड़े रहते हैं इंदौर के, और वो ट्रेन देखने के लिए खड़े होते हैं। आप बताइए, शर्म आनी चाहिए हमको, आज 70-80 सालों बाद वो ट्रेन देखने के लिए खड़े हो रहे हैं। कम से कम अब ये दोनों पार्टियों को ये एहसास तो हो गया कि नहीं, ये इनको अब नजरअंदाज नहीं कर सकते, इनको इग्नोर नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये देश का। लेकिन आखिरी बात ये है अनन्या जी, ये कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो इससे सही चीज नहीं है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दो ही ऐसी पार्टियां हैं जो कि मेनस्ट्रीम पार्टीज हैं, जो कि इस देश का भला कर सकती हैं, और दोनों पार्टी मतलब स्ट्रांग अपोजिशन भी उतनी ही जरूरी है अच्छी डेमोक्रेसी के लिए जितनी जरूरी एक अच्छी सरकार होती है। इसलिए वो जो कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि कांग्रेस को भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है, अच्छा विपक्ष रहेगा तो हमारे आपके लिए प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। चलिए, बहुत धन्यवाद अमित शर्मा जी, राजेश जौहरी जी और चेतन सिंह जी हमारे साथ इस पैनल पर जुड़ने के लिए। और बिल्कुल जिस तरह से फिलहाल राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं और जिस तरह बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं, चुनावी हलचल जो है वो अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब ये बयान सामने आते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ, चुनाव करीब है और अब दोनों ही पार्टियां जो है वो एक्टिव तो हो गई हैं, चाहे एक और बैठकें लगातार जारी है तो वहीं दूसरे आयोजन भी लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि जितना कम समय बचा है दोनों पार्टियों के पास, किस तरीके से अपने अपनी पार्टी की और अपने अपनी कह सकते संगठन की रूट्स जो है कैसे मजबूत ये पार्टियां करती हैं, और कौन कौन से अब अभियान और योजनाएं यहाँ पर जो है इस पूरे चुनाव के पहले जो एक दौर चलेगा उसमें आती हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पास यहाँ पर चैलेंजेस काफी सारे हैं, चुनौतियां काफी सारी हैं, और उस पर कैसे वर्क करती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।